नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रलयंकारी मणि को एक्सप्लेन करेंगे। व्हेल नाम का एक पानी का जहाज तेजी से सागर का छीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। शिप के एक फर्स्ट क्लास कैबिन में दो चोर गोगा और टॉम आपस में बात कर रहे थे। देखा टॉम, आखिर हमने इस बेशकीमती मूर्ति को निकोबार कबीले से चुरा ही लिया, और जब हम बॉम्बे ले जाकर इसे बादशाह शंकर शाह से बेच देंगे तो हम सिर से लेकर पांव तक दौलत में डूब जाएंगे। धीरे बोलो गधे, किसी ने सुन लिया तो दोनों को जेल की हवा खानी होगी। अचानक दोनों अपनी कैबिन में लड़खड़ा गए। अरे ये क्या, एक कैप्टन बोलता है बहुत बड़ा तूफान है, शिप नहीं बचेगा। शिप डूबता जा रहा था, पैसेंजर को लाइफ बोट में बैठा कर जल्दी समुद्र में उतारो। टॉम कहता है बोट को कसकर पकड़ो गोगा। शिप डूब गया और अगली सुबह टॉम और गोगा एक अनजान आइलैंड के पास आ गए। भगवान का शुक्र है हम लोग बच गए। वो देखो एक टापू और हवा उसी ओर हमें ले जा रही है, और कुछ ही देर में बोट किनारे लग गई। अरे इस द्वीप पर मानव, और देखते देखते वो दोनों मानव सर्प में बदल गए। लेकिन तभी एक बाज आकर उन पर हमला करता है। बाज एक सांप को दबोच कर जाने लगा, लेकिन तभी टॉम ने उसे गोली मार दी और उन्हें आज़ाद कर दिया। टॉम कहता है ये हमारी तरफ आ रहे हैं, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। और दोनों इंसानी रूप में आ गए, और दोनों कहते हैं ये इच्छादारी सांप। दोनों कहते हैं ये कोई जादू नहीं है, हम इच्छादारी सर्प हैं। आप लोगों ने हमारी जान बचाई है, हम आपके आभारी हैं, ये तो हमारा फर्ज था। और बहुत सारे सर्प वहाँ आने लगे। तभी वो इच्छादारी सर्प बोलता है ये इस द्वीप के रक्षक हैं, जो भी बाहर से यहाँ आता है ये उसे मार डालते हैं। तभी नाग पुरुष कहता नहीं डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और वो नाग रूप धारण कर उन दोनों के गले में जाल पट गए। और सभी सर्प वहाँ पहुँच कर रुक गए, और वो उन दोनों को लेकर अपने कबीले में चले गए। वहाँ पर सभी देखकर कहते हैं अरे विदेशी, वो भी मणिराज के पुत्र के संरक्षण में। मणिराज कहता है आपका स्वागत है, ये इच्छाधारी सर्प द्वीप है, तो क्या यहाँ इस द्वीप पर सभी इच्छाधारी सर्प हैं? मणिराज कहता है इस द्वीप से कभी अपनी दुनिया में लौटने की कोशिश मत करना, अगर तुमने ये किया तो तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। टॉम कहता है गोगा हम तो यहाँ आकर फंस गए, इस गुफा में इनकी कुलदेवी का मंदिर है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। लेकिन द्वार पर ही एक द्वार रक्षक ने उन्हें रोक दिया, तुम लोग इस मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा मणिराज का आदेश है। और वो कहता है अगर तुमने मणिराज की आज्ञा को नहीं माना तो तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। वो फिर कहता है चलो उस मंदिर में जाकर देखते हैं। और मंदिर के अंदर जाते ही उनकी आंखें पर तेज रोशनी पड़ी। उफ़ ये कैसी रोशनी है, ये रोशनी नाग देवी के मस्तक पर लगी उस मणि से आ रही थी। अचानक पुजारी कहता मूर्ख तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। टॉम भागो यहाँ से, ये सांप हमें मार देंगे। और गोगा उस मणि के बारे में सोचने लगा, इससे पहले वे दोनों भाग पाते उन पर सर्पों ने हमला तक कर दिया। दोनों बुरी तरह चीखते हुए मंदिर से बाहर कूद गए। पुजारी बोला जल्दी करो इन दोनों को वैद्य जी के पास ले चलो, नहीं तो ये मर जाएंगे। इस घटना के 6 घंटे बाद इन दोनों को होश आ रहा था। मणिराज कहता आखिर तुम लोगों ने एक भयंकर भूल कर दी, मेरे मना करने के बाद भी तुम मंदिर में गए। टॉम कहता है हमसे भूल हो गई। मणिराज कहता ये तुम्हारी पहली और अंतिम भूल है, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो ये तुम्हारी सजा मौत होगी। गोगा कहता है टॉम अगर मंदिर वाली नागमणि हमारे हाथ लग जाए तो। टॉम कहता है उस मौत को तुम भूल गए क्या? गोगा कहता है नहीं, मगर मणि को भी भूला नहीं जा सकता। गोगा सोचता है निकोबार कबीले की मूर्ति हमारे हाथ से निकल गई, मगर मणि को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और गोगा को इस काम के लिए टॉम को मनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो मणि हमारा सपना है और किसी भी तरीके से उसे हासिल करना होगा। लेकिन वो मंदिर भयानक सांपों से भरा पड़ा है और हमारी बोट भी खराब है, इसके बारे में सोचना होगा। तभी वे दोनों चौंक पड़े, ये मछुआरे की नाव ही लगती है, ये रास्ता भटक कर यहाँ आ गई है। गोगा देखो वो रक्षक सांप उनको मार देंगे। रक्षक सांपों ने सभी मछुआरों को मार दिया। गोगा और टॉम भागकर बोट के पास पहुँचते हैं। गोगा कहता है इन मछलियों का क्या करेंगे? टॉम कहता खाएंगे। उस घटना के 1 महीने बाद टॉम कहता है हम उस मछलियों की खाल का क्या करेंगे, वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा। वो बाज उस नाग पर हमला कर रहा है, टॉम बाज को मारने के लिए बढ़ा, गोगा ने उसे रोक लिया और बोट से जाल लेने के लिए भागा। बाज को उन दोनों ने जाल में फंसा लिया। तुमने उसे क्यों पकड़ा, समझा दूंगा, बस ये समझो अब हर रोज़ हमें बाज को पकड़ना होगा। और रोज़ दोनों बाज पकड़ने लगे। एक दिन एक सर्प ने उसे देख लिया और कहता है तुम हमारे दुश्मन को पकड़कर क्या करोगे, हम इनको पकड़कर मारकर समुंदर में फेंक देंगे। टॉम कहता है पता नहीं बाज का क्या करेगा। एक दिन गोगा कहता तुम मणि को भूल तो नहीं गए?
मैं तुम्हें सच में मणि को हासिल करके दिखाऊंगा आज की रात। उस रात दोनों वैद्यराज के पास पहुंचे। वैद्यराज अचानक उठता है, क्या हुआ? टॉम कहता, अंधेरे में सांप के ऊपर पैर पड़ गया और उसने मुझे काट लिया। मैं अभी तुम्हें विषरोधी जड़ी बूटियाँ देता हूँ, ये खा लो। और उन दोनों ने उसको पकड़ लिया और जोगा ने उसे मार डाला। वैद्य जी को दोनों ने पीछे झाड़ियों में फिर डाल दिया। कुछ दवा दोनों ने पी ली और कुछ अपनी जेब में रख लिया आगे के लिए। गोगा कहता है, अब मछली की खाल से बनी इस पोशाक को पहन लो। गोगा कहता है, क्या कैसा रहा टॉम? चलो मनी, आज हासिल करना है। मैं समझ गया गोगा, तुमने बाज को क्यों पकड़ा था। इन बाजों को अजगर गुफा तक ले जाना होगा, इन्हें ढक दो। इन बाजों को मंदिर में छोड़कर मनी हासिल करना होगा। बाद सांपों पर टूट पड़े गुफा के अंदर जाकर। पुजारी कहता है, मुझे तुरंत मणिराज को सूचना देनी होगी। जैसे ही वो द्वार के पास पहुंचता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गोगा कहता है, हम तुम्हारी मणि लेने आए हैं। पुजारी कहता, नहीं तुम मणि नहीं, तुम यहाँ अपनी कब्र लेने आए हो। टॉम ने पुजारी पर हमला किया, लेकिन उसी वक्त पुजारी सांप में बदल कर वहाँ से भाग गया। बाज और सांपों में ज़ोरदार लड़ाई चल रही थी, उन दोनों पर भी सांपों ने हमला कर दिया था। गोगा कहता है, अपने चेहरे पे को बचाना टॉम। और मार काट करते हुए मणि की तरफ बढ़ रहा था। गोगा मणि तक पहुंच चुका था। गोगा सांपों को मारता हुआ मणि तक पहुंच गया। गोगा बड़ी तेजी से मूर्ति पर चढ़ गया। तेजी से वो मणि को निकालने लगा, लेकिन तभी एक सांप ने आकर उसके चेहरे पर हमला कर दिया। लेकिन जड़ी बूटियों के कारण उसे कोई असर नहीं हुआ। और टॉम कहता है, गोगा जल्दी। और एक जोरदार वार करने से मणि बाहर आ गई। गोगा ने मणि को उठा कर कहा, भागो टॉम भागो। गुफा से बाहर निकल कर उस बोट की तरफ भागो। टॉम कहता, मुझे बंदूक निकालने दो, बाहर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और बाहर निकलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पुजारी ने मुसीबत खड़ी कर दी। टॉम कहता है, अब क्या होगा, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारे पास बंदूक है। वो रहे दोनों, पकड़ो इन्हें, जान से मार दो। भीड़ ने उन दोनों की तरफ भागना शुरू किया। गोगा घबरा कर कहता है, शूट टॉम शूट। टॉम ने फायर किया, मगर भीड़ नहीं रुकी, तो टॉम ने दोबारा फिर से फायर किया। और उसी वक्त बाद गुफा से बाहर निकल रहे थे और सर्पों को देख कर उन पर टूट पड़े। और वो दोनों वहाँ से भागने लगे। वो दोनों कुछ ही दूर पहुँचे थे कि तभी मणिराज उनके सामने आ गया। मणिराज कहता है, मेरे बच्चों को तुमने बचा कर जो एहसान तुमने मुझ पर किया था, आज तुमने ये मणि चुरा कर वो ख़त्म कर दिया। इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी और वो है मौत। मौत हमें नहीं तुम्हें मिलेगी मणिराज। टॉम ने मणिराज पर गोली से हमला कर दिया, लेकिन वो नाग के रूप में आ गया। और दोबारा टॉम ने हमला कर उसे गोली मार दी और गंडासा भी मणिराज को मारा। और मणिराज घायल होकर मानव रूप में आ गया। मणिराज कहता है, देवी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। दोनों भाग रहे थे और बोट पर पहुंचकर वहां से भागने लगे। और ये क्या, वो तो भाग गए गुरुदेव, चलो वापस। उधर विष्प्रिया और विष्प्री मणिराज के पास पहुंच चुके थे। मणिराज कहता है, रो मत मेरी बेटी विष्प्रिया, और ध्यान से सुनो तुम दोनों, उस नागमणि को वापस यहाँ लाना ज़रूरी है, नहीं तो तुम सभी की नाग शक्ति ख़त्म हो जाएगी और साथ में ख़त्म हो जाएगा ये नागद्वीप। मणि को वापस लेकर देवी के मस्तक पर चढ़ाना होगा। और मणिराज ये सब कहकर अपने प्राण त्याग देता है। और एक दिन विष्प्रिय मणि लेने के लिए चला जाता है। नागद्वीप से सैकड़ों मील दूर बम्बई में समुद्र किनारे स्वामी शंकर शाह के आश्रम में सभी भक्त आ चुके हैं। स्वामी, अब वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। स्वामी ने के आसन ग्रहण करते ही शांति शांति जयकारा मेरा नहीं भक्तो, भोले शंकर का करो, बोल बम बम भोले, इन्हें भोले बाबा का प्रसाद दो। और वो साधु सभी को एक एक डमरू देता है और इसी के साथ सभी घर जाने लगते हैं। और बाबा कहता है, बाबा का मैसेज पहुंचाओ घर घर जाकर। सभी भक्तों के जाने के बाद शंकर शाह कहता है, क्या सारा प्रसाद समाप्त हो गया है चेले? हाँ, सारा प्रसाद समाप्त हो गया गुरुजी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जल्दी ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा, लेकिन बाबा आप पैसे के लिए तो ये सब नहीं कर रहे। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो आपको क्या नागराज चाहिए? ठीक समझा, मुझे नागराज चाहिए। इस पोस्टर को पढ़कर जरूर आएगा। नागराज ने भी ये पोस्टर पढ़ लिया था। और इसी के साथ इस कॉमिक्स का यहाँ पर अंत होता है। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद।